टाइम आ जाएगा, पैसा रिचार्ज खत्म होने के लिए आ जाएगा, उसी टाइम एक दिन पहले आके चेंज कर देंगे। अभी तो MNP का 250 है, उस वक्त 400 भी हो सकता है, उस वक्त वो भी मद्देनजर रखते हुए जी आप ले सकते हैं। मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज जो है अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं और बहुत ठंडा गिरा है और मैं भी अभी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, सीधा रास्ते में जाके कोई दुकान पर अटक जाते हैं, वहाँ पे बैठ के थोड़ा मतलब सूरज का रोशनी मिलेगा, गर्म लगेगा शरीर। तो चलते हैं सीधा जाके बैठते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप मेरा चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर। हम तो अभी जा रहे हैं कहाँ बैठने के लिए, और वो जगह है वहाँ पे जो व्हाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम बैठेंगे। और दूसरा बात, वहाँ पे रोशनी भी मिलेगा, रोशनी के साथ साथ जो आपका होता है ना, क्या हमारा जो ऑफिस में काम होता है, जितना एरिया को लेके काम होता है, इस जगह है वहाँ उसका, और वो सभी जगह का ये है सेंटर। तो यहाँ पे बैठेंगे तो हमको ओरिजिनल जो है परफेक्ट लोकेशन मिल जाएगा, जहाँ का लोकेशन भी मिलेगा यहाँ से जाने के लिए सुविधा होगा। तो तब ऑफिस में तो कोई आया नहीं, अभी भी हमको काम प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा बैठ लेते हैं। उस पार देखिए छाई है इस तरफ धूप, और यहाँ पे हम बैठ जाते हैं थोड़ा देर के लिए, उसके बाद काम आ जाएगा तभी हम चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा बैठ के दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, और उधर ऑफिस हमको कोई काम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। तो हमने ऑफिस को कॉल करके पूछा, उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओ, आज भी आपको काम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मौज मस्ती तो नहीं, काम नहीं दिया जा रहा है तो कैसा मौज मस्ती, इनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये थोड़ा यहाँ पे वेट करके सीधा हम दोस्तों ऑफिस से आज भी हमको कोई काम नहीं दिया गया, तो क्या करें, हमारा जिंदगी झंड हो गया यार, तो क्या करें। अभी ऑफिस को कॉल किया था मैंने, ऑफिस से बोला है कि कल से आपको रेगुलर काम दिया जाएगा, आप चिंता मत करो, आप जो 2-3 दिन छुट्टी ले लिए थे इसलिए हम आपको ज़्यादा छुट्टी दे दिया, तो बुरा मत मानो, कल से आपको काम दिया जाएगा, पर एक भी छुट्टी नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों क्या बोलूँ, घर का मामला है, तबियत मबियत अच्छा रहेगा तभी ना काम को जाएंगे, ऐसा बोलने से थोड़ी ना चलेगा। क्या बोले, उसका मर्जी, ओनर का मर्जी, वो जो बोले उनको ही तो करना पड़ेगा, हमारा थोड़ी ना चलता है। तो अभी दोस्तों पापा का जो मोबाइल का सिम है वो एयरटेल है, उसको जियो पहले करेंगे, तो इसलिए मैं पापा का मोबाइल से भी शूट कर रहा हूँ। पापा का मोबाइल ले आया, अभी चलेंगे दोस्त के पास, दोस्त के पास जाके थोड़ा मौज मस्ती करके सीधा चलेंगे मोबाइल शॉप पे, वहाँ पे सिम को चेंज कर देंगे, एयरटेल को जियो करके सीधा घर लौटेंगे। तो चलिए बिना देर के चलते हैं दोस्त के पास और वहाँ से थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। तो लेट्स गो। जो है दोस्तों देख सकते हैं, लौंडिया चल रहा है, मैं इसके पास आया था, ये सर मेरे घर की तरफ जा रहा है, क्या पता, आई डोंट नो, बट चलो की दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते करते दोस्त अभी हम जा रहे हैं मोबाइल के दुकान के पास, वहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं सिम को, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सीधा मिलते हैं हम अभी मोबाइल के दुकान पर। कितना चाहिए भाई बोलो? अभी 250 रिचार्ज MNP का आ जाएगा। हाँ, 155 एयरटेल का रिचार्ज आएगा। हाँ, इसीलिए कि उसमें पोर्टिंग कोड निकालने के लिए 155 रिचार्ज। जी जी जी, तो मैं बोल रहा हूँ क्या, इसका एयरटेल अभी सिम है, इसको और एक महीना एयरटेल में रहने देते हैं। जब भी इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, टाइम आ जाएगा, पैसा रिचार्ज खत्म होने के लिए आ जाएगा, उसी टाइम एक दिन पहले आके चेंज कर देंगे। अभी तो MNP का 250 है, उस वक्त 400 भी हो सकता है, उस वक्त वो भी मद्देनजर रखते हुए जी आप ले सकते हैं। तो क्या करें, मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि अभी आप 155 रिचार्ज करवाइए और MNP भी करवा दीजिए, 4 दिन तक चलाएंगे इस सिम। नहीं सर जी, हम उतना बड़ा आदमी नहीं है, बड़े आदमी मैं नहीं, मेरा बात उस वक्त बढ़ जाएगा अमाउंट, उस वक्त बढ़ेगा तभी देखा जाएगा। बढ़ेगा तभी दिखा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, इसका ऑल लिमिटेड डाल दीजिए,
अनलिमिटेड डाटा या सिर्फ कॉल? कॉल डाटा सब कुछ। ऑल डाटा कॉल इसका 300 रुपया में लग जाएगा। क्यों? पता नहीं आपको एयरटेल का 300 रुपया आता है। तो हमने सिर्फ रिचार्ज करके अनलिमिटेड डाल के भाग आए, क्योंकि वो जो क्या पोटिंग मोटिंग क्या कराना था, वो बोले कि ये रिचार्ज खत्म होने का 5 दिन पहले ही अब आ जाना है। तो क्या करते हैं, किस्मत टूटा हुआ है, पहले से पता नहीं था इसलिए सब हुआ। तो अब क्या करें, दोस्तों के दुकान पे थोड़ा चल के बैठ जाते हैं, जब आप सीधा चलेंगे घर। अरे भाई, मार्केट में भीड़ काहे नहीं। सर जी, आप कैसे हैं? बढ़िया है। तो अभी मैं आ गया और ये मेरा बाइक है, और अभी जो है शाम हो रही है, अब देख सकते हैं सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा बात ये है कि दोस्तों आज जो है सिम जो चेंज करने वाला था एयरटेल से जियो करने वाला था, तो गया था, पर क्या हुआ कि वो जो जियो सिम करने वाला था तो उन्होंने बोले कि एयरटेल सिम का 5 दिन रहेगा पैसा ख़त्म होने का, तभी लेके आओगे तभी कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि ठीक है, एयरटेल पे अनलिमिटेड डाल दो और हमको दे दीजिए अभी, अब ये पैक ख़त्म होने के बाद हम जियो में डालेंगे, कन्वर्ट करेंगे जियो को, एयरटेल से जियो को कन्वर्ट करेंगे। तो आज का दोस्तों वीडियो तो ऐसा करते करते ये सब बातचीत करते करते ख़त्म हो गया। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।